बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर तो कोई वकील। कुछ बनने की इच्छा हर एक व्यक्ति में होती है। कुछ लोग अपने सपने को पूरा कर पाते हैं, कुछ लोग अपने सपना देखकर उसे मेहनत नहीं देते। वो कहते हैं ना, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मंजिल उन्हें ही मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सुप्रभात आदरणीय निदेशक महोदय, विद्यालय समिति के अध्यक्ष सुभाष महोदय, शिक्षकगण एवं निर्णायक मंडल। मैं शहला इकबाल, कक्षा 10वीं ब की छात्रा, आज आपके समक्ष अपने सहयोगी सौम्या, रूपम, प्रियदर्शनी, प्रज्ञा और भूमि के साथ मेरा स्टार्टअप मेरा सपना विषय पर अपना विचार प्रस्तुत करने के लिए आए। इस दुनिया में हर इंसान का कोई ना कोई सपना या महत्वाकांक्षा होती है जिसे वह अपने जीवन में पूरा करना चाहते हैं। यही सपना आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। लेकिन कुछ लोगों को अपना सपना पूरा करने के लिए साधन या जुड़ाव नहीं मिल पाता है। लेकिन इसमें आज एक नया मोड़ आ गया है, क्योंकि वर्तमान सरकार ने स्टार्टअप को बढ़ावा देने वाले विभिन्न क्षेत्रों के लिए स्टार्टअप इंडिया और मुद्रा ऋण यानी कि लोन स्कीम लॉन्च किया है। हम सभी ने ये सोचा है कि अगर हमें मौका मिले तो सरकार ने जो ऋण मुद्रा लॉन्च किया है उसकी सहायता से हम एक ऐसा NGO खोलें जिसका मुख्य मकसद बच्चों की शिक्षा और समाज का सुधार होगा। हमारा ऐसा सोचने का बहुत से कारण है। इसका मुख्य कारण है कि क्योंकि हमारे समाज में लड़कियों को दबा कर रखा जाता है और हमारे समाज में लड़कियों को नीचे स्तर पर रखा जाता है। हमारे समाज के कल्याण के लिए ज़रूरी है कि वो भी शिक्षित हो। और जब हम बात लड़कों की करते हैं तो हमारे समाज में जितना अधिकार लड़कियों का है उतना अधिकार लड़कों का भी है। इसीलिए हमारे समाज को बेहतर बनाने के लिए न केवल लड़कों बल्कि लड़कियों का भी शिक्षित होना ज़रूरी है। बिहार का जो निरक्षरता दर यानी कि इलिटरेसी रेट है वो लगभग 38.2% है। इसीलिए हम अपना NGO बिहार के शिवहर इलाके जो कि बिहार का सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है वहाँ खोलेंगे और वहाँ इस समाज को सुधार करेंगे। उसके बाद हम वो सभी इलाके जो बिहार में सबसे पिछड़े हुए हैं वहाँ NGO खोलेंगे और वहाँ के समाज के सुधार में अपना योगदान देंगे। हमारा NGO खोलने से बहुत सारे बेरोजगारों को रोजगार भी मिलेगा जिससे उनकी गरीबी दूर होगी, जिससे देश की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा और देश की अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी घटेगा। लोगों के बीच जाति और धर्म के नाम पर भी भेदभाव होते हैं और लड़कों और लड़कियों में भी अंतर किया जाता है। इस पे भी हम सुधार करेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे कि ये सब गलत है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो देश समाज जाति और धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं करता, लड़कों और लड़कियों में भेदभाव नहीं करता, वो देश आज काफ़ी विकसित कर चुका है और एक विकसित देश बन चुका है। वहीं दूसरी तरफ हम भारत और पाकिस्तान जैसे देशों की बात करें तो जहां धर्म के नाम पर भेदभाव होते हैं, लड़कों और लड़कियों में अंतर होता है, उन्हें समान शिक्षा या एक समान सम्मान नहीं दिया जाता, वो देश आज एक विकासशील देश है जो कि 50 से 100 साल पीछे है। हमारा समाज हमें लोगों से मिलकर बना है, हमें लोग इस समाज के सदस्य हैं। इसीलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने समाज को सुधारने के लिए आगे आए। इसीलिए हमने ये NGO खोलने का सोचा है। हमें ध्यान पूर्वक सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मैं इस भाषण को समाप्त करने से पहले कुछ पंक्तियां बोलना चाहूंगी। सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर एक जीत आप ही की होगी, बस लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। धन्यवाद।